गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, आज हम अपनी मुग्धा का पार्ट 11 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू पढ़ेंगे। आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 68 खोलिए। पार्ट 11 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। वह महान कवयित्री, समाज सुधारक और एक निपुण वक्ता थी। वे बहुत बहादुर और निर्भीक थी। तो स्कॉलर्स, इस पाठ में हमें सरोजिनी नायडू जी के बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। क्या लिखा है पाठ में? सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। वे कवित्री थी, समाज सुधारक थी और एक निपुण यानी पारंगत वक्ता। वक्ता यानी क्या होता है? बोलने वाला। अपने भाषा में उन्हें पारंगत थी वो अपनी भाषा में, और एक निपुण वक्ता थी। वे बहुत बहादुर और निर्भीक थे। निर्भीक यानी निडर। आगे पढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे तथा उनकी माता वरद सुंदरी एक कवयित्री थी। स्कॉलर्स, सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? अधोरनाथ चट्टोपाध्याय। वे एक वैज्ञानिक थे और उनकी माता वरद सुंदरी एक कवयित्री थी जो कविता लिखती थी। आगे पढ़ते हैं। 8 भाई बहनों में सरोजिनी सबसे बड़ी थी। उनके 4 भाई तथा 3 बहनें थीं। उनके पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करते थे। वे लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। तो स्कॉलर्स, सरोजिनी नायडू 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वे उनके 4 भाई थे और 3 बहनें थीं। और उनके पिताजी कभी भी बेटे और बेटी यानी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। उनके साथ समान व्यवहार करते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। आगे पढ़ते हैं। सरोजिनी उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी और बंगाली भाषा जानती थी। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी वैज्ञानिक बने, परंतु उन्हें गणित अथवा विज्ञान में रुचि नहीं थी। वे अंग्रेज़ी में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी ने किंग कॉलेज लंदन एवं ग्रिटन कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा पाई। तो उसको सरोजिनी नायडू को उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी और बंगाली भाषा आती थी। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी नायडू उनके जैसी एक महान वैज्ञानिक बने, परंतु सरोजिनी को गणित और विज्ञान भाषा में कोई रुचि नहीं थी। वे अंग्रेज़ी भाषा में, इंग्लिश भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? किंग कॉलेज लंदन और ग्रिटन कॉलेज कैम्ब्रिज से। आगे पढ़ते हैं। सरोजिनी का विवाह मद्रास निवासी गोविंद राजुल नायडू के साथ संपन्न हुआ। गोविंद राजुल नायडू एक डॉक्टर थे। सरोजिनी बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थी। दो अलग अलग प्रांतों का होने के बाद भी सरोजिनी का वैवाहिक जीवन सुखी था। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। सरोजिनी नायडू का विवाह मद्रास निवासी, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं, गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। गोविंद राजुल नायडू एक डॉक्टर थे।
सरोजिनी बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थी और गोविंद राजुल नायडू मद्रास के थे, चेन्नई के थे। तो दो अलग अलग प्रांतों यानी प्रदेशों का होने के बाद भी सरोजिनी का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखी था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। आगे बढ़कर उत्साहित होकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। इस पद पर चुनी जाने वाली वह दूसरी भारतीय महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण सरोजिनी 21 महीने तक जेल में रहीं। तो जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया तब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और इस पद पर चुनी जाने वाली वह दूसरी महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तब उन्होंने उनमें हिस्सा लिया था और जिसके कारण वे 21 महीने तक जेल में रही थी। पेज नंबर 69 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि उनकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने एक महान कवयित्री और देशभक्त महिला को खो दिया। इस महान महिला का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, जब वह भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ अंग्रेजों के राज्य से, तब वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ में कोयल जैसी मिठास थी। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने एक महान कवयित्री और देशभक्त महिला को खो दिया। इस महान महिला का नाम यानी सरोजिनी नायडू का नाम भारत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, यानी लिखा हुआ है। लोग आज भी उन्हें बड़े सम्मान से याद करते हैं, उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हैं, उनकी लिखी गई कविताओं को याद करते हैं। तो स्कॉलर्स, उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको इस पाठ के कठिन शब्द सुनो और लिखो। आपके कठिन शब्द हैं उसे अच्छे से लिखना है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 70 पे इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, सरोजिनी के माता पिता कहाँ से आए थे? सरोजिनी के माता पिता बंगाल से आए थे। उनके घर पर किन किन लोगों का आना जाना रहता था? उनके घर पर कवि, डॉक्टर और राजनीतिज्ञों का आना जाना रहता था। सरोजिनी का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? सरोजिनी का विवाह मद्रास निवासी राजुल नायडू के साथ संपन्न हुआ। अब देखिए स्कॉलर्स, इस पाठ के कठिन लिखित प्रश्न उत्तर। सरोजिनी नायडू कब और कहाँ पैदा हुई? सरोजिनी नायडू का जन्म
13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी का क्या योगदान था? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 21 महीने तक जेल में रही थी। सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई? सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। अब देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 71 में प्रश्न नंबर 2, सरोजिनी नायडू सीमा नायर एक समाज सुधारक एक निपुण वक्ता थी। सरोजिनी नायडू एक समाज सुधारक एक निपुण वक्ता थी, सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। दूसरा है, उन्हें क्या कहा जाता है? भारत को किला, वेरी गुड, भारत को किला कहा जाता है। वह देश की प्रथम राज्यपाल मनोनीत हुई। वह एक महान कवयित्री थी। अब देखिए प्रश्न 3, जोड़े मिलाओ। सबसे बड़ी सेवा है समाज सेवा। जीवन में सर्वोपरि है राष्ट्र। जीवन की दिशा बदल देता है संघर्ष। विद्वानों का सभी करते हैं आदर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। वे बहुत बहादुर और निर्भीक थी। उनके पिता का नाम डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय था। उनका विवाह मद्रास निवासी गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। अब देखिए भाषा कौशल, विलोम शब्द लिखो। महान, साधारण, नौकर, मालिक, मृत्यु, जन्म, उदय, अस्त, स्वतंत्र, परतंत्र, अमीर, गरीब। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।